अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ईद का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं जिसमें ये देखें हमारे बकरे आए हुए हैं। ये ईद का ब्लॉग है जो कि मैंने थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, सारा कुछ जो रिकॉर्ड नहीं हो सका, सो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हुआ है। और ईद पे तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी थी और इंटरनेट भी नहीं था, मैंने सोचा चलो ईद पे रिकॉर्ड कर लेती हूँ और ईद के बाद अपलोड कर दूँगी। बच्चे हैं, गली में इंजॉय कर रहे हैं बकरों के साथ और माशाल्लाह से बड़ी रौनक है। उसके बाद ये मेरे ड्रेसेस है ईद के और ये मेरे बच्चों के और हस्बैंड के ड्रेसेस मैचिंग किए हुए हैं, ब्लैक कलर के तीनों दोनों ने। तो और मेरा सूट जो मैंने पहनना था वो मेरे दर्जी ने सिया नहीं, बहुत बड़ा धोखा किया उसने मेरे साथ। तो फिर उसके अलावा मैंने दो तीन कुर्ते वैसे ही ख़रीद के रखे हुए थे कि मैंने कहा चलो वो भी साथ पहन लूँगी। अब मेन मेरा ईद का सूट तो आया नहीं, सो फिर मैंने सोचा इन कुर्तों में से ही कोई पहन लूँगी। एक ये मेरा कुर्ता मैंने लिया था, एक ये वाला मैंने कुर्ता लिया था, मैंने सोचा कि बस इन्हीं में से पहन लूँगी एक ये वाला कुर्ता। और गला इस टाइम बहुत ख़राब हुआ है ईद के दिनों में, शायद क्या वायरस चला है, हर किसी का गला ख़राब। और ये मैंने न्यू बेडशीट लाई थी, मैंने सोचा सर ईद पे नए बेडशीट बिछा देंगे। और ये फिर कुर्बानी होने के बाद ये कलेजी बनने लगी थी और ये कसाई साहब बकरे ज़िबा कर गए हैं, गोश्त बाद में बनाते हैं, जब तक बच्चे लगे हुए अपना खेलने। ये मेरा बेटा छोटा कसाई बना हुआ बकरी ज़िबा कर रहा है और ये देखें ऊपरी तरफ से कसाई, छोटा सा कसाई बना हुआ है और वो बकरे काट रहा है। बच्चों की माशाल्लाह से अपनी ही रौनक होती है, वो इन्जॉय करते हैं। और फिर ये कलेजी पक गई थी, उसके बाद मैंने ये अपने बेटे को तैयार किया है। बच्चों का मूड ही नहीं सही होता जल्दी, तैयार होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, उसका मूड ही नहीं हो रहा था वीडियो या तस्वीर बनाने का। उसके बाद ये रात को कढ़ाई बनाई थी, ये ईद के पहले दिन का वीडियोज़ हैं। उसके बाद पाए बन के आ गए थे तो फिर मैंने ये पाए बनाए, मसाला बन रहा है साथ ये पाए, ईद के दूसरे दिन के नाश्ते के लिए पाए पहले दिन ही रात को बना दिए थे मैंने। साथ मैंने सोचा इसमें गोश्त भी थोड़ा डाल लेंगे। और ईद का सेकंड डे है, इसमें मैं अपनी मदर की तरफ गए थे, हम लोग दावत पे, ये हम जा रहे हैं दावत पर। बस ईद पे ही होता है, पहले दिन कुर्बानी होती है, दूसरे दिन तीसरे दिन दावतें, कभी हमने दावत पे जाना होता है या किसी ने हमारे घर दावत पे आना होता है, ऐसे होता है। और ये फिर ईद का तीसरा दिन है, इसमें ये खाना छाना बना रहे हैं, हमारे घर पर दावत थी। काफ़ी वीडियोज़ हैं जो मैं नहीं रिकॉर्ड भी कर पाई, कपड़ों की तैयारी की, तो थोड़ी बहुत जो हाइलाइट्स बस हैं मैंने का वही दिखा दूँ। फिर ईद के तीसरे दिन बच्चे प्लेलैंड गए, प्लेलैंड की वीडियो है, बच्चे इंजॉय, बच्चों की इंजॉयमेंट तो यही होती है प्लेलैंड घूमना फिरना, या स्टार्ट में बकरों के साथ इंजॉय करते हैं बच्चे बहुत माशाल्लाह से। सो इस टाइम गला भी बहुत ख़राब हुआ हुआ है, आप लोग सब अपनी केयर करें जी। यहाँ पर अब मेरा व्लॉग ख़त्म होता है, होने वाला है, बस बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। व्लॉग थोड़ा सा मैंने लेट अपलोड किया है बताया, क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं था ईद पर बिल्कुल भी। चले जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।